वाहन चेकिंग के दौरान रांची पुलिस को मिली सफलता, चोरी की बाइक के साथ पूर्व उग्रवादी सहित तीन गिरफ्तार। राजधानी रांची की लालपुर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान सफलता हासिल करते हुए बाइक चोरी के मामले में पीएलएफआई के पूर्व उग्रवादी विशाल स्वासी निवासी तिलता आनंद नगर थाना रातू जिला रांची सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अन्य दो आरोपियों में संजय सिंह निवासी पालीग्राम जिला रामगढ़ वर्तमान में रोइंग हाउस का बाउंसर और विक्की साव निवासी मधुकम थाना सुखदेव नगर जिला रांची है। संजय साव वर्तमान में विक्की साव के घर में किराएदार के रूप में रहता था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी की दो बाइक बरामद की है। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोराबादी टीओपी के पास वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बिना नंबर प्लेट की MT-15 बाइक को रोका गया। बाइक के आगे का नंबर पढ़ने में स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था, इसी वजह से जब 34 नंबर की जाँच की गई तब बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरा निकला। बाइक पतरातू के राहुल कुमार के नाम पर पंजीकृत पाई गई। जब बाइक चला रहे युवक संजय सिंह से बाइक के बारे में पूछा गया तब उसने अपने मकान मालिक विक्की साव से बाइक खरीदी है यह बताया। तब विक्की साव को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने एक और मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकारी एवं उसकी निशानदेही पर विशाल स्वासी को पकड़ा गया और चोरी की एक और पल्सर बाइक जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी बरामद की गई। पकड़ाए गए सभी आरोपियों का पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है शहर में लगातार चेकिंग पॉइंट लगाई जा रही है, हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसी चेकिंग के क्रम में कल मोराबादी टीओपी के पास से अमर टीओपी में एएसआई विकास कुमार सिंह के द्वारा एक फर्जी नंबर लगा करके गाड़ी जो है वो चलाते हुए व्यक्ति को पकड़ा गया। जब उनसे गहराई से पूछताछ की गई, व्यक्ति का नाम संजय सिंह है, ये रहने वाले बलियापुर के हैं, उनसे जब पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि ये सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में एक विक्की शॉप है, उनसे ये बाइक लिए हैं। और जब उनसे हम लोग ने जब उसकी गिरफ्तारी की गई है निशानदेही पे, तो उस व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि ये ऑलरेडी और भी पहले से गाड़ियां चोरी किए हैं। फिर हम लोगों ने तीसरे व्यक्ति विक्की शॉप को लेकर के गया तो एक और गाड़ी में बरामद हुई है। दोनों गाड़ी चोरी की है और एक विक्की शॉप, एक विशाल कुमार स्वासी नाम व्यक्ति है जो नाजिक रहने वाले हैं, तीसरा व्यक्ति, इनके पास से जब इनका छानबीन किया गया तो ये पुराना अपराधी रहे हैं और खास करके ये तीन मर्डर केस के एक्यूज रहे हैं और इसके खिलाफ में लगभग तीन आर्म्स एक्ट में भी ये जेल गए हुए हैं। तो अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये बेल पर बाहर आया था, उसके बाद ये फिर से ये खास करके पल्सर गाड़ी या हैवी गाड़ियों को जो है वो चोरी करके शहर में घटनाक्रम को अंजाम देने के फिराक में ये लोग रहते हैं। अभी तीन व्यक्ति की गिरफ्तारी लालपुर के द्वारा किया गया है। थाना प्रभारी लालपुर ने अच्छा काम किए हैं। अभी इनके कन्फेशन के आधार पर और भी लिंक हम लोग को मिला है, कुछ और भी गाड़ियों की बरामदगी हम लोग के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल अभी तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रांची पुलिस के द्वारा जो है विभिन्न क्षेत्र में खास करके एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान सभी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सख्ती से फर्जी गाड़ी लेकर के चलते हैं या किसी घटना को अंजाम देते हैं उस पर सख्ती बरतने का निर्देश पुलिस मुख्यालय दिया है। उसके आलोक में लगातार रांची पुलिस द्वारा कार्रवाई की। गाड़ी कहाँ पे चोरी हुई है? ये देखिए, गाड़ी एक सुखदेव नगर एक कोतवाली एक सुखदेव नगर एक कोतवाली से चोरी हुई थी जिसको बरामद किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक इसमें गाड़ी जिसका है वह व्यक्ति की शादी आज ही और इसकी बरामदगी है, तो एक तरह से उसके लिए पुलिस रांची पुलिस द्वारा एक शुभकामना गिफ्ट जो होता है जी हाँ इनके होती है। इसमें शादी नहीं है, जो पकड़े गए शादी नहीं है, जिनकी बाइक चोरी हुई थी वो अभी उनका नाम में उजागर नहीं करेंगे, लेकिन उनकी शादी के रूप में उनका बाइक रिकवर हम लोग कर लिए हैं, तो ये उनके लिए खुशी है, दोहरी खुशी की बात है। सर, चोरी की बाइक कहाँ रखते थे? सर, चोरी की बाइक ये लोग अभी फिलहाल अपने खुद चला रहे थे, लेकिन इनके द्वारा जो घटना को अंजाम देने के लिए अपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में।